अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक होंगे? मैं सराज रिजवान का हूँ, तीसरा जो मैं, और आज देखिए धूप है। बाकी के घर के दो जो फ्राइडे थे वो हमारे गुजरे बारिश में। यार ये देखिए हमारे फूल कितने प्यारे हैं, माशाल्लाह। मैं उनको आपको क्लिप से दिखाती हूँ, लेकिन अभी मैं किचन में बिजी हूँ। और दुआओं में याद रखिएगा, जुम्मा मुबारक सबको, रमज़ान मुबारक का। बड़े अच्छे रोज़े जा रहे हैं माशाल्लाह। खाने का कुछ नुकसान तो हुआ है, अल्लाह पाक उनको सब्र दे देगा। और लेकिन ये कि रोज़े माशाल्लाह बहुत अच्छे से गुजरते हैं, पता ही नहीं चलता है। सारा रमज़ान गुजर जाता है, देखे पत्ते किस कदर गिरे हुए, साफ करते रहे, फिर भी गिरते रहते हैं। ये पता नहीं खत्म हो गए, होता बाहर का होता, लेकिन जामन के पत्ते गिरते हैं। तो बाकी अल्लाह सबके रोज़े आए, उम्मीद है आई होप के अच्छे अच्छे जा रहे होंगे। और दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला सब दे औलाद को। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। ये बना रही हूँ मैं कढ़ाई थोड़ी सी, इसमें से आधा ज़्यादा फ्राई हो गया। तो चलिए आज चिकन थोड़ी तेज़ी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट भी है। बना रही हूँ आज मैं चिकन पुलाव। आज बिरयानी का मोड नहीं था, तो साथ थोड़ी सी कढ़ाई बनाएंगे, कढ़ाई खा लेंगे, और थोड़ा सा चिकन खा देते हैं। सारी मैंने तो यही चलेगी। ये हमारा फाइनल पुलाव के लोग तैयार है, और अब हम जा रहे हैं हफ्ता लिखने। तो फिर देखेंगे टाइम होगा, आपसे बाकी की भी शेयर करेंगे, नहीं तो इसके साथ आज हम ज़्यादा चाहेंगे कि मैं ये सारे राइस बाइक पर जाऊँ और बाकी के पूरे दस्तरखान लगाएं। तो भाई इसके साथ ही ज़्यादा चाहते हैं। हाँ तो गाइस, आप सब ने कर ली होगी इफ्तारी, और हमने भी कर ली है। किचन भी इसमें अड्डा है, सांस मुझे थोड़ा इसलिए है। नमाज पढ़ के, बर्तन धो के, सारी काटा गूँध के, आज दूध था नहीं इसलिए दही नहीं लगाया गया। तो अब मैं आ गई ड्राइंग रूम में। मैं यहाँ बैठ के थोड़ी देर, जब तक ईशा के दाने थे, कराम जी तरंगे हो गए, हमारे बुज़ुर्ग जो फादर इन लॉ हैं, ईशा के बाद खाना खाते हैं। तब तो फिर मैं यहाँ बैठ के पढ़ लेती हूँ, फिर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, वो भी पढ़ते हैं, फिर उनको खाना देती हूँ और उनके बर्तन समेटती हूँ, फिर मैं सोने के लिए चली जाती हूँ। क्योंकि सोते नहीं, और कहते होंगे वो क्या है इनके घर में। एक्चुअली हमारे घर में ना, इस घर में काम हो रहा है ना, होना है ईद के बाद, तो उसकी तैयारियाँ हैं, इसलिए ये सीढ़ी पड़ी हुई है। ये ऊपर फ़ैन देख रहे हैं, ये फ़ैन लगने हैं हमारे। तो ये सोफे भी चले जाएंगे, इधर से फ्री हो जाएगा रूम कुछ ईद के बाद इंशाल्लाह।